आपका पहला सवाल है, किस देश में भीख मांगने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है? आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी चीन या ऑप्शन डी स्वीडन। सही जवाब है स्वीडन। आपका दूसरा सवाल है, सफ़ेद रंग का जिराफ किस देश में पाया जाता है? आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी केन्या या ऑप्शन डी जापान। सही जवाब है केन्या। आपका तीसरा सवाल है, छोटे भारत के नाम से किस देश को जाना जाता है? आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन ए फिजी, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी बांग्लादेश या ऑप्शन डी जापान। सही जवाब है फिजी। आपका चौथा सवाल है, भारत के किस राज्य में आधार कार्ड नहीं बनता है? आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन ए असम में, ऑप्शन बी तमिलनाडु में, ऑप्शन सी केरल में या ऑप्शन डी कश्मीर में। सही जवाब है कश्मीर में। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल क्लिक करना ना भूलिएगा। आपका पांचवा सवाल है, मनुष्य की किडनी का वज़न कितना होता है? आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन ए 200 ग्राम, ऑप्शन बी 250 ग्राम, ऑप्शन सी 300 ग्राम या ऑप्शन डी 170 ग्राम। सही जवाब है 170 ग्राम। आपका छठा सवाल है, दुनिया की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन ए ताजमहल, ऑप्शन बी बुर्ज खलीफा, ऑप्शन सी इंडिया गेट या ऑप्शन डी कुतुब मीनार। सही जवाब है बुर्ज खलीफा। आपका सातवां सवाल है, मनुष्य के खून में कौन सा धातु पाया जाता है? आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन ए चांदी, ऑप्शन बी सोना, ऑप्शन सी तांबा या ऑप्शन डी लोहा। सही जवाब है लोहा। आपका आठवां सवाल है, विश्व का दूसरा ताजमहल किस देश में है? आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी नेपाल। सही जवाब है बांग्लादेश। आपका नवा सवाल है, टमाटर की खोज किस देश ने की थी? आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी जापान। सही जवाब है अमेरिका। आपका दसवां सवाल है, काला झंडा किसका प्रतीक है? आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन ए खतरे का, ऑप्शन बी विरोध का, ऑप्शन सी शांति का या ऑप्शन डी दुख का। सही जवाब है विरोध का। दोस्तों, आपने कितने क्वेश्चंस का सही सही जवाब दिया है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय।